हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। फिर से आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूँ। क्या होता है क्रॉस मैचिंग, कैसे करते हैं, किसे कंपैटिबिलिटी टेस्ट भी होते हैं। यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि मैं इस अपने चैनल पर आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ। कंपैटिबिलिटी टेस्ट भी हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, दोनों लैंग्वेज में आपको नोट्स क्लियर करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता है, एटलीस्ट आपको ये कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं, अगर आप कंपटीशन की एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, क्रॉस मैचिंग होता क्या है, सिंपली डिस्कस करेंगे। क्रॉस मैचिंग इज अ कंपेटेबिलिटी टेस्ट, ठीक है। क्रॉस मैचिंग को दूसरा नाम याद रखना, कंपेटेबिलिटी टेस्ट भी होता है। क्रॉस मैचिंग इज अ फाइनल टेस्ट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इट इज कॉल्ड कंपेटेबिलिटी टेस्ट, बिकॉज इन दिस टेस्ट डिटेक्ट द कंपेटेबिलिटी बिटवीन डोनर एंड रिसिपियंट ब्लड। क्या बोलना चाहता है क्वेश्चन में आपसे, सिंपल चीज़ें करी है कि कंपेटेबिलिटी टेस्ट क्या होता है। कंपेटेबिलिटी टेस्ट का सिंपल मतलब है कि मैं अपने ब्लड और, देखो दो वर्ड आएंगे, डोनर और रिसिपियंट। डोनर जो कि दान करता है ब्लड को, रिसिपियंट वो होता है जो कि ब्लड को एक्सेप्ट करता है। तो लिखा हुआ है कि क्रॉस मैचिंग, ये जो क्रॉस मैचिंग है ना, ये क्रॉस मैचिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन का एक फाइनल टेस्ट होता है। इसके आधार पर मैं बता पाऊंगा कि कौन सा टेस्ट मुझे कैसे मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन। वो हिंदी में एक बार देख लीजिए, क्रॉस मैचिंग एक विशेष प्रकार का टेस्ट होता है। इस टेस्ट में रक्तदाता और ग्राही के रक्त को मिलाकर यह देखा जाता है कि दोनों आपस में कंपेटिबल है या नहीं, इसीलिए इसे टेस्ट को कंपेटिबिलिटी टेस्ट कहा जाए। आप पूछोगे सर कंपेटिबिलिटी का मतलब होता है सामंजस्य। सामंजस्य का मतलब होता है कि मैं उसके साथ घुल मिल रहा हूँ या नहीं। मतलब जब मेरा ब्लड, सपोज दैट मैं डोनर हूँ, आप एक एग्जाम्पल समझना, मैं एक डोनर हूँ, एक रिसिपियंट है, मैं अपना ब्लड उसको चढ़ा दूंगा, मेरा भी ए पॉजिटिव है, उसका भी ए पॉजिटिव है, पर क्या होता है कि ब्लड ग्रुप सेम होने के बाद भी, मेरा ब्लड ग्रुप सेम है, उसका ब्लड ग्रुप सेम है, ब्लड ग्रुप सेम होने के बाद भी क्या होता है कि वो जो सिंपली क्या होता है उसमें ब्लड ग्रुप फिर भी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता। जो डोनर है उस ब्लड को एक्सेप्ट कर ही नहीं पाएगा। अब जब डोनर ही एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा तो हम लगाएंगे कंपेयर, मतलब उसके ब्लड को मेरे ब्लड को बाहर लैब में मिला के मैं देख लूँगा, इसे बोलूँगा कंपेटिबिलिटी टेस्ट या क्रॉस मैच। क्लियर है, आगे बढ़ता हूँ मैं। इन दिस टेस्ट डिटेक्ट द एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी विच इज रिएक्ट विथ आरबीसी। इस टेस्ट में क्या बोलना चाहता है, एक बार पहले इंग्लिश में रिपीट कर दो, फिर हिंदी में पढ़ दो, फिर आपको समझाता हूँ। इन दिस टेस्ट डिटेक्ट द एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी विच इज रिएक्ट विथ आरबीसी एंड डिस्ट्रॉय द आरबीसी। दिस एंटीबॉडी मे बी प्रेजेंट इन डोनर एंड मे बी प्रेजेंट इन सीरम। बोलना चाहता है कि इस टेस्ट में विशेष प्रकार की एंटीबॉडी का पता लगाया जाता है। एक विशेष प्रकार की, एक स्पेशल टाइप की एक एंटीबॉडी होती है जिसका पता लगाते हैं, जो कि आरबीसी कोशिकाओं को तोड़ती है। मैं बोल रहा हूँ कि एक ऐसी एंटीबॉडी है जो कि आरबीसी को तोड़ देती है। वो एंटीबॉडी या तो पेशेंट, मतलब जो डोनर है उसके ब्लड में भी हो सकती है, या वो रिसिपियंट जो ब्लड लेगा उसके ब्लड में। अगर दोनों के ब्लड में वो एंटीबॉडी पाई जा रही है, इसका मतलब ये है कि मैं उसको ब्लड ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, या मेरे ब्लड को उसके ब्लड के साथ नहीं मिलाया जा सकता। सिंपल बात है भाई, कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है तो पहले उस एंटीबॉडी का पता लगाओ, वो एंटीबॉडी जो रिएक्ट, अगर एंटीबॉडी ना मेरे ब्लड में है ना उसके में, वो एंटीबॉडी जो रिएक्शन कर रही है वो नहीं है, तो मैं आराम से ब्लड को ट्रांसफर कर सकता हूं, इजीली ब्लड डोनेट कर सकता हूं। क्लियर है, आगे बढ़ता हूं। ये चीज़ समझ में आई कि भाई क्रॉस मैचिंग को हम कंपेटिबिलिटी टेस्ट भी कहते हैं। कंपेटिबिलिटी टेस्ट के बाद मैंने बोला कि ऐसी एंटीबॉडी का पता लगाया जाता है, इस एंटीबॉडी के द्वारा ही हम क्या कर पाते, ये एंटीबॉडी अगर पता लगता है कि एंटीबॉडी है तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करना है, और अगर हमें पता लगता है कि एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है तो ब्लड ट्रांसफ़र कर देना है। क्लियर है, आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। मैं आगे बढ़ता हूँ। टाइप्स ऑफ क्रॉस मैचिंग, प्रकार, कितने प्रकार की क्रॉस मैचिंग होती है वो चीज़ देखो। सिंपली यहाँ पे मेजर क्रॉस मैचिंग दो प्रकार की होती है, मेजर क्रॉस मैचिंग में क्या करते हैं, डोनर की आरबीसी और रिसिपिएंट के सीरम को मिलाया जाता है। दो वर्ड है, डोनर, देखो
पहले मेरे ब्लड को उसकी सीरम के साथ मिला दूं, फिर उसके ब्लड को मेरी सीरम। आपने अगर मेरी वीडियो नहीं देखी ब्लड वाली, अभी जाके देखिए, मैं एंड स्क्रीन में डालूंगा। हालांकि ब्लड, ब्लड का मतलब अलग अलग भाग, सीरम अलग, प्लाज्मा अलग और ब्लड की आरबीसी सेल्स अलग, ठीक है। तो पहले मेरी आरबीसी को, सीरम में एंटीबॉडी होती है तो उसकी सीरम से मेरी आरबीसी को लड़ा दूंगा कि उसकी सीरम में ऐसी कोई एंटीबॉडी तो नहीं है जो मेरी आरबीसी को तोड़ रही है। फिर मैं क्या करूँ, अपनी बॉडी की सीरम निकालूँ, उसकी आरबीसी के साथ लड़वा दूँ, क्रॉस मैच कर लूँगा। देखिए आप, मैं आपको समझाता हूँ। मेजर क्रॉस मैचिंग में दो प्रकार के बताया, मेजर क्रॉस मैचिंग, माइनर क्रॉस मैचिंग। पहला मेजर, मेजर क्रॉस मैचिंग में डोनर की आरबीसी रिसिपिएंट की सीरम के साथ मिलाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप आपके माइंड में फिक्स कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, बहुत ईजिली चीज़ समझा रहा हूँ मैं आपको। बहुत कन्फ्यूजन होती है, लोग बहुत कन्फ्यूज रहते हैं, बट मैं आपको पूरा एक्चुअली क्लियर कर रहा हूँ कि क्या होता है। मेजर क्रॉस मैचिंग में डोनर जो रक्त दान करेगा उसकी आरबीसी को मरीज जो ब्लड को एक्सेप्ट करेगा उसकी सीरम के साथ में मिक्स कर दूंगा। किस में? मेजर क्रॉस मैचिंग में। अब बात करता हूँ माइनर, माइनर क्रॉस मैचिंग में डोनर की सीरम। देखिए, माइनर क्रॉस मैचिंग में डोनर की सीरम को रिसिपिएंट की आरबीसी के साथ मिलाया जाता है। पूरा उल्टा पुल्टा कर दिया। आप रोको वीडियो को, यहीं पे रुक के दोनों लाइनों को एक बार पढ़ के देखो कि मैंने दोनों में क्या लिखा है। फिर से मैं पढ़ाता हूँ। मेजर क्रॉस मैचिंग में डोनर की आरबीसी ली जाती है, माइनर क्रॉस मैचिंग में डोनर की सीरम ली जाती है। उल्टा है ना पूरा, ऊपर मैंने आरबीसी ले ली, नीचे डोनर की सीरम ले ली। इधर मैंने बोला कि मैं रिसिपिएंट की सीरम लूंगा तो इधर मैंने रिसिपिएंट की आरबीसी। क्रॉस मैच, अलग अलग, क्रॉस मैच, इसीलिए स्ट्रेस का नाम दिया। डायग्राम में आप देखो, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, मैंने पहले इसमें डोनर की सीरम ली, पहले ये माइनर क्रॉस मैचिंग के लिए, पहले मेजर देख लो। देखो मैंने क्या करा है, रिसिपिएंट की सीरम ली और डोनर की आरबीसी ली। आपको डायग्राम में इजीली दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि यहाँ पे जो ये डोनर की आरबीसी है, रिसिपिएंट की सीरम को एक टेस्ट ट्यूब में दो ड्रॉप मैंने सीरम डाली, दो एक ड्रॉप मैंने ब्लड की सेल्स डाली, दोनों को मिक्स करा, इंक्यूबेट करा। माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, इंक्यूबेट करने के बाद ये डायरेक्टली हम एग्लूटिनेशन देख सकते हैं। एग्लूटिनेशन कब आएगी? एग्लूटिनेशन भाई जब आएगी, जब इसमें रिएक्शन होगी। क्लियर हुआ है चीज़ आपको? तो क्या हुआ, माइनर क्रॉस मैचिंग में मैंने क्या रहा, माइनर क्रॉस मैचिंग में सिंपली आप देख सकते हो डोनर की सीरम ली है और इसमें मैंने डोनर की आरबीसी ली है। उल्टा है पूरा, ठीक है, समझ में आ रहा। अभी आपको मैं आगे और क्लियर करूंगा। तो यही मतलब है कि भाई मेजर दो क्रॉस मैचिंग होता है, उसका कंपैटिबिलिटी टेस्ट नाम भी होता है। दो प्रकार के होते हैं, मेजर क्रॉस मैचिंग, माइनर क्रॉस मैचिंग। मेजर क्रॉस मैचिंग में जो रक्त दान करेगा उसकी आरबीसी को निकाल लूँगा, जो रक्त को लेगा उसकी सीरम को निकाल लूँगा, दोनों को आपस में मिला दूंगा। जब मिलाऊंगा तो क्या देखूंगा, एग्लूटिनेशन आ रही है नहीं आ रही है। माइनर करूंगा, माइनर क्रॉस मैचिंग में आपको दिख रहा होगा कि डोनर की सीरम और आरबीसी रिसिपिएंट की लेकर मिलाऊंगा, उल्टा बिल्कुल क्रॉस। क्लियर हुआ? मैं आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले डिस्कस करते हैं मेजर क्रॉस मैचिंग के बारे में। एक्चुअल में मेजर क्रॉस मैचिंग क्या होती है? देखिए, सबसे पहले मेजर क्रॉस मैचिंग के लिए रिक्वायरमेंट, हमको क्या आवश्यकता है कि हम जब लैब में टेस्ट लगाएंगे तो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सिंपली हमको यहाँ पर टेस्ट ट्यूब एक चाहिए होती है, टेस्ट ट्यूब से हम टेस्ट लगाएंगे, टेस्ट ट्यूब हमें एक चाहिए। टेस्ट ट्यूब के बाद हमको चाहिए कवर स्लिप, कवर स्लिप माइक्रोस्कोप में देखने के लिए। पिपेट हमको चाहिए, पिपेट ऐसा सॉल्यूशन लेने के लिए पिपेट का इस्तेमाल होता है। माइक्रोस्कोप देखने के लिए चाहिए हमें, हम डायरेक्टली विजिबल आईज से भी देख सकते हैं पर मेनली माइक्रोस्कोप का यूज़ करना चाहिए ताकि हमसे कोई एरर ना हो। इंक्यूबेटर, इंक्यूबेटर में हम टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, इंक्यूबेटर का इस्तेमाल भी करना चाहिए। नॉर्मल सलाइन NS, अब आप पूछोगे सर नॉर्मल सलाइन एक नमक का पानी होता है, उसका इस्तेमाल हम आरबीसी को धोने के लिए करता है, मैं आपको आगे बताऊँगा। सैंपल, सैंपल में आप क्या लोगे? सैंपल में देखो डोनर की आरबीसी क्या लिखा हुआ है, डोनर की आरबीसी और रिसिपिएंट की सीरम। डोनर की आरबीसी निकाल लो, रिसिपिएंट की सीरम निकाल लो, मिक्स कर दो, ठीक है। किस में? मेजर क्रॉस मैचिंग में। समझ में आया? आगे बढ़ूँ मैं।
अब यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रोसीजर, अब ये इम्पोर्टेंट है कि आप टेस्ट को लगाओगे कैसे, कैसे प्रोसीजर होगा। बोलना चाहता है फर्स्टली कलेक्ट, अब देखो मैं दो तरह से सैंपल को कलेक्ट करूँगा। यहाँ पर मेरे पास सिंपली दो बाइल है, एक बाइल आपको यदि दिखाई दे रही हो, यहाँ पे मेरे पास दो बाइल, एक मेरी रेड बाइल है, देख लो आप, ये मेरी रेड बाइल है, ये मेरी EDTA बाइल है, दो बाइल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इसके थ्रू आपको ये वाली चीज़ें को ईजिली एक्सप्लेन करूँगा। फर्स्टली कलेक्ट डोनर ब्लड इन EDTA ट्यूब एंड कलेक्ट अ रिसिपिएंट ब्लड इन प्लेन ट्यूब। बोलना चाहता है कि सर्वप्रथम डोनर का रक्त EDTA ट्यूब में निकाल लिया जाता है और रिसिपिएंट का ब्लड प्लेन बाइल में। डोनर जो रक्त दान करेगा उसका ब्लड किस में निकालूंगा, प्लेन बाइल में। जो रक्त को एक्सेप्ट करेगा उसका ब्लड निकालूंगा प्लेन बाइल में। ये EDTA बाइल है, ये प्लेन बाइल है, क्लियर है। अब इन दोनों ट्यूबों में सैंपल ले लिया, इसमें तो लिया रिसिपिएंट का सीरम क्योंकि ये क्लोटिंग बाइल है, क्लोट जमेगा इसमें। EDTA ब्लड में लूंगा मैं सिंपली जो रिसिपिएंट है डोनर का RBC, ठीक है। ये रिसिपिएंट वाली ट्यूब है, ये डोनर वाली ट्यूब है, क्लियर है, मैंने ले लिया। नाउ EDTA ट्यूब, अब बात कर रहा है EDTA ट्यूब, वन मिनट, EDTA ट्यूब के बारे में, ये EDTA ट्यूब है। अब इस EDTA ट्यूब में बोलना चाहता है कि नाउ EDTA ट्यूब एड अ नॉर्मल सलाइन एंड वॉश द RBC 3 times। बोलना चाहता है इट इज़ कॉल्ड अ सस्पेंशन प्रिपरेशन, सस्पेंशन, ठीक है। अब EDTA ट्यूब में नॉर्मल सलाइन को डालकर 3 times रक्त RBC को साफ किया जाता है, इस प्रक्रिया को RBC सेल सस्पेंशन कहा जाता है। अब आपको बनाना है RBC का सेल सस्पेंशन, कैसे बनाओगे, सिंपल बात है भाई, इसको मैं रख लेता हूँ। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, ये आपकी EDTA ट्यूब थी, इस EDTA ट्यूब में मैं क्या करूँगा, इसमें नॉर्मल सलाइन को डाल दूंगा। जब मैं इसमें नॉर्मल सलाइन को डालूंगा ना, इसमें सिंपली नॉर्मल सलाइन को मैं ऐड करूँगा, इस RBC को धो लूँगा। क्यों धोऊंगा, क्योंकि इसमें कई प्रकार के अलग अलग बहुत सारे एंटीजन होते हैं, अगर आपको पता हो तो, ब्लड में उन सब एंटीजन को मैं रिमूव कर दूंगा ताकि मेरे से कोई एरर ना हो। तो ये इसमें मैंने डोनर की RBC ली थी, मेजर क्रॉस मैचिंग कर रहा हूँ अभी मैं, आप कन्फ्यूज मत होइएगा, माइनर नहीं मेजर। इसमें मैंने सिंपली डोनर की RBC ली, NS नॉर्मल सलाइन डाला, इसको 3 times धोऊंगा, वो सेंट्रीफ्यूज करूंगा, ऊपर वाला पार्ट निकाल दूंगा, नीचे वाला रख लूंगा, ये ऐसे इसको बोलूंगा सेल सस्पेंशन प्रिपरेशन। उसके बाद बोल रहे हैं सेपरेट, एक मिनट, ये बोलना चाहता है उसके बाद रिसिपिएंट की सीरम को सेपरेट कर लो सेंट्रीफ्यूज। अब मैंने जो दूसरी ट्यूब ली थी आपको यहां पे, ये प्लेन वाली ट्यूब, अब इसको मैं क्या करूंगा, सेंट्रीफ्यूज करके इसमें सीरम जमा लूंगा। तो दो चीज प्रिपेयर हो गई मेरी, इसमें मेरी EDTA ट्यूब में मैंने ले लिया डोनर की RBC, इसमें सीरम ले लिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, ये प्रिपरेशन करने के बाद अब रिसिपिएंट की सीरम को तैयार कर लिया जाता है। अब देखो नेक्स्ट चीज क्या बोल रहा है प्रोसीजर में, ये बोल रहा है नाउ टेक अनदर टेस्ट ट्यूब, एक दूसरी टेस्ट ट्यूब को ले लिया जाता है, हिंदी में देखो, अब दूसरी टेस्ट ट्यूब को लिया जाता है, इसके अंदर डोनर की RBC को और रिसिपिएंट की सीरम को मिलाकर और इस टेस्ट ट्यूब को 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए रखा जाता है। इसमें RBC मिलाई, इसमें सीरम। अब इन दोनों टेस्ट ट्यूब को मैं एक अलग टेस्ट ट्यूब ले लूंगा, जैसे कि ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें मैं क्या करूं, ये फर्स्ट वाली, इसमें से एक ड्रॉप सीरम डाल दूं, एक ड्रॉप RBC डाल दूं, इस टेस्ट ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज करूंगा, सेंट्रीफ्यूज करके मैं सिंपली मिक्स करके, हाथों से मिक्स कर दो, मिक्स करके मैं रख दूंगा माइक्रोस्कोप में। जब इसको मैं इंक्यूबेटर में रख दूंगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इंक्यूबेटर में जब टेम्परेचर मेंटेन होगा तब ये रिएक्शन करेगा, क्योंकि हमेशा हमको 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है, उस पर ही रिएक्शन करवानी होती है। नेक्स्ट चीज देखिए आप इसमें, सी द एग्लूटिनेशन रिएक्शन, आफ्टर द मैं क्या करूंगा, एग्लूटिनेशन को देखूंगा, एग्लूटिनेशन की रिएक्शन को जो सीन करूंगा, ठीक है। अब रिएक्शन को, एग्लूटिनेशन को देखा जाता है। अब देखो एक्चुअल में फिर से बताता हूँ आपको, मैंने मेजर क्रॉस मैचिंग कैसे किया, मैंने यहाँ पे रिसिपिएंट की सीरम को लिया है, यहाँ पे मैंने डोनर की RBC को लिया है, इन दोनों को लेने के बाद मैंने 2 drops डाली सीरम और RBC सेल सस्पेंशन, जो मैंने क्या करा था, बनाया था अगर आपको याद हो तो, RBC को धोकर उसको इसमें डालूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, लिखा हुआ है इंक्यूबेट करो, इन इस अलग टेस्ट ट्यूब ली है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर, फिर सेंट्रीफ्यूज करो, फिर एग्लूटिनेशन होगी। यदि एग्लूटिनेशन नहीं आई,
इस टाइप की यदि नो एग्लूटिनेशन, अगर एग्लूटिनेशन कंपेटिबल ब्लड नहीं है तो एग्लूटिनेशन आएगी, और अगर कंपेटिबल ब्लड है मतलब देने लायक है तो एग्लूटिनेशन नहीं आएगी। सिंपल बात है, आपको चेक ये करना है कि एग्लूटिनेशन आ रही है या नहीं आ रही है। एक चीज़ याद रखना, मेजर क्रोसेज मैचिंग में डोनर की आरबीसी रिसिपिएंट की सीरम को अलग टेस्ट ट्यूब में मिलाकर देखना क्या है एग्लूटिनेशन को, एग्लूटिनेशन आएगी या नहीं आएगी। तो ये था आपका मेजर क्रॉस मैचिंग। अब बढ़ता हूँ मैं माइनर। माइनर में क्या करूँगा, सेम प्रोसेस है, सेम चीज़ें हैं, खाली मैं जो अपना वो रिसिपिएंट है उसकी आरबीसी लूँगा। अब मेरी बॉडी, जैसे मैं डोनर हूँ, अब मेरी सीरम लूँगा, पहले मैंने आरबीसी इस्तेमाल। रिक्वायरमेंट क्या है, सिंपल बात है, टेस्ट ट्यूब मुझे चाहिए, कवर स्लिप चाहिए, पिपेट चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए, इंक्यूबेटर चाहिए, नॉर्मल सलाइन चाहिए। सैंपल में क्या लूँगा, डोनर की सीरम रिसिपिएंट की आरबीसी। पलट दिया, पूरा गेम पलट दिया, उल्टा कर दिया मैंने, पूरी प्रोसीजर सेम है पर सब चीज़ें उल्टी हो गई। देखो करना कैसे है, प्रोसीजर में क्या करना है, फर्स्टली कलेक्ट अ डोनर सीरम इन प्लेन ट्यूब, कलेक्ट अ रिसिपिएंट आरबीसी इन ईडीटी ट्यूब। अब ईडीटी ट्यूब मैंने ये ली, इस ईडीटी ट्यूब में मैंने डोनर की सीरम, डोनर की आरबीसी नहीं ली है, रिसिपिएंट की आरबीसी ली। पहले डोनर की ली थी, अब माइनर में मैं रिसिपिएंट की आरबीसी और डोनर की सीरम लूंगा अब मैं क्लोटिंग बाइल में, ठीक है। इन दोनों को वही सेम प्रोसेस होगा कि भैया सर्वप्रथम डोनर की सीरम को प्लेन ट्यूब में निकाल लो, रिसिपिएंट की ईडीटी में निकाल लो। नाउ इन ईडीटी ट्यूब एड अ नॉर्मल सलाइन, वॉश थ्री टाइम, वही सेल सस्पेंशन, इसमें तीन बार धो के प्रिपेयर करो। अब ईडीटी ट्यूब में नॉर्मल सलाइन को तीन बार आरबीसी को धोया जाता है। सेपरेट अ डोनर सीरम बाय सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, अब वापस से सीरम बना लो, सेम प्रोसेस हुई। अब करना क्या है मेजर क्रॉस मैचिंग में, आपको सिंपल देख लो, ये बता देता हूँ मैं आपको, डायग्राम देख लो आप, ठीक है। सिंपल बोला है ये, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाला प्रोसीजर है, ठीक है, एग्लूटी वो माइनर क्रॉस मैचिंग का, ठीक है। अब देखो माइनर क्रॉस मैचिंग में मैंने क्या करा, डोनर की सीरम लिए और रेसिपिएंट की आरबीसी ली, जबकि पहले मैंने क्या कर रहा था, डोनर की आरबीसी ली थी और रेसिपिएंट की सीरम ली थी, पर इस बार मैंने डोनर की सीरम ले ली और रेसिपिएंट की आरबीसी ले ली। इन दोनों टेस्ट ट्यूब में अलग मिलाया, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा, जब मैं इसको इंक्यूबेट करूंगा और फिर देखूंगा माइक्रोस्कोप में तो मुझे ईजिली एग्लूटिनेशन दिखाई देगी, तो कंपेटिबल टेस्ट नहीं है, इसे नहीं दे सकते, और अगर एग्लूटिनेशन नहीं आएगी तो ब्लड को ट्रांसफर कर सकते। तो ये था यार मेजर क्रॉस मैचिंग एंड माइनर क्रॉस मैचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। नोट्स आपको चाहिए, आप यहां से नोट्स भी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में ले सकते हैं। नेक्स्ट मैं स्टार्ट करने वाला हूं एनाटॉमी फिजियोलॉजी के टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर इंडियन मेडिकल लेक्चर।